हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप सामने देखिए, पटवारी परीक्षा 2023 15 मार्च यानी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ लिए गए दोस्तों, तो अपने फ्रेंड से कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए कि आप भी इस क्वेश्चन के लिए करने के लिए तैयार हो जाएँ, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए भी प्रश्न आ सकता है इस तरह का, है ना, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए प्रश्न पूछा गया था कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्के रखे गए हैं, जिनका मूल्य क्या कहा उसने, मूल्य अनुपात 13:11:7 हैं, तो 50 पैसे कितने सिक्के होंगे। और ये चार ऑप्शन आप सामने 128, 132, 133, 136। अब दोस्तों यहाँ तीन अलग अलग स्टेप बनती है, है ना, जैसे कि मान लो ये मेरे पास सिक्के रखे हुए हैं, ये डिब्बी है, सिक्के रखे हुए हैं, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सिक्के का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों। अरे मत चलाओ। तो देखिए यहाँ पे इसने सिक्कों की संख्या दी है, क्या दी, दो तीन तरह से क्वेश्चन होता है, सिक्कों की संख्या दे रखी है, संख्या है ना, और मूल्य अनुपात दिया। देखो कितना दिया, 13:11:7 और सिक्के 378। अब दोस्तों बस यही ध्यान रखना है अपनों को कि सिक्कों की अगर संख्या दे तो गुणा करना, क्या करना, गुणा करना, सिक्कों की संख्या दे तो अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर यहाँ रुपए दे दे तो फिर भाग लगाएंगे, अगर रुपए दे दे तो फिर क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, बस ये ध्यान रखना, भाग लगेगा रुपये अगर दे तो। अब भाग किसके लगेगा, गुणा कैसे होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए गुणा कैसे होगा, जैसे कि 1 रुपया में एक ही सिक्का होता है तो एक का गुणा हो गया, जिसका अनुपात 13 है तो एक का गुणा हो गया। अब 50 पैसे में कितने सिक्के होते हैं दोस्तों, दो सिक्के मिलकर 1 रुपये बनता है, तो इसको अगर रुपए बनाना है तो 2 सिक्के 2 का गुणा हो गया। इसी मत चलाओ, 7 को अगर बनाएंगे तो 25 पैसे कितने, 4 सिक्के, तो 4 का गुणा। अब इनको जोड़ लो, 13 × 11 = 22, 7 × 28, ठीक है, और 378, इनको जोड़ लेते हैं, 3 × 2 = 5, 8 × 13 = 3, चला 1 × 2 = 4 = 6, यानी कि 63 जो अनुपात है इसका मान कितना है, 378, 63 कटेगा 6 बार, 1 अनुपात का मान 6 हो जाएगा, 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 6। अब अपने से पूछा है कि 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे का अनुपात कितना है, 22, तो 6 × 22, तो 22 चंगे होते दोस्तों 132, तो बी ऑप्शन अपना मैच कर गया कि 132 उसमें सिक्के होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। देखिए इसके लिए पूछा गया था कि ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, और ए और सी उस कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। और चार ऑप्शन आप सामने देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल आपको बेसिक्स बता देता हूँ। देखो ए प्लस बी ये दोनों करेंगे 24 दिन में, और बी प्लस सी करेंगे 36 दिन में, और ए प्लस सी करेंगे 12 दिन में। अब तीनों का यहाँ एलसीएम निकाल लेंगे, तो 24, 36, 12 का बड़ी संख्या एलसीएम आएगी इनका 72, कितना आएगा 72, 72, ये तो अपना एलसीएम आ गया। इसको कुल कार्य भी बोलते हैं, आपको पता है कुल कार्य कितने, तो 72 कार्य। अब इफिशियंसी निकाल लेंगे, कार्य क्षमता 24 × 3 = 72, 36 × 2 = 72, और 12 × 6 = 72,
अब दोस्तों बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं कि देखो इनको जोड़ते सबको, तो ए और ए कितना दो हो गया, बी और बी दो हो गया, सी और सी दो हो गया, तो अपन दो कामन लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी ये अंदर रहेगा। ये बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी लिख देते हैं, दो कामन नहीं लेते हैं, ये गलती हो जाती है। और इनको जोड़ेंगे तीन दो पाँच नीचे ग्यारह, अगर ए प्लस बी देखना है तो ये दो यहाँ से हटेगा और यहाँ आ जाएगा, ग्यारह बटे दो हो जाएगा। और तीनों का निकलना है तो इसमें इसका भाग लग जाएगा, यानी कि भाग कैसे लगेगा बताऊँ देखो, बहत्तर बटे ग्यारह और दो नीचे तो ये ऊपर चल जाएगा, तो दो दूनी चार, दो साथी चौदह बटे ग्यारह, ग्यारह का भाग लगाएं, ग्यारह एकम ग्यारह, तीन चौंतीस, ग्यारह तीन तैंतीस, एक बटा ग्यारह, तेरह से एक बटा ग्यारह, तो तेरह से एक बटा ग्यारह डी ऑप्शन अपना मैच कर गया, है ना। इसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चन और हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए अभी एक फ्रेंड ने फ़ोन करके बताया कुछ प्रश्न और आए हैं, तो दो क्वेश्चन और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए हैं, देखिए उसने एक मैसेज लेके भेजा है कि दो प्रश्न और इसमें सिंप्लीफिकेशन से बोर्ड मस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए 265 भागित 5 माइनस 100 प्लस 50 गुणित 7, अब बोर्ड मस्ट के क्वेश्चन भी आते हैं तो इसका क्या आंसर होगा, देखिए दोस्तों बोर्ड मस्ट में सबसे पहला होगा दोस्तों भाग होगा, क्या होगा भाग, तो 5 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 5 बच्चे 25 और 15, 5 दिया 15 माइनस 100 प्लस, अब गुणा होगा तो 7 पंजो 35, अब भाग हो गया गुणा हो गया अब जोड़, तो ये संख्या इसमें जुड़ेगी 350 और 53, तो 403 हो जाएगा माइनस 100, अब घटेगा तो उत्तर आएगा 303, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन और था कि 101 माइनस 100 प्लस 50 इंटू 2 माइनस 2 इसका आंसर क्या होगा, तो बच्चे गलती नहीं करना, सबसे पहले इसमें भाग तो है ही नहीं, अब गुणा होगा, पहले जोड़ नहीं कर सकते हैं, ये 50 इसमें जोड़ नहीं सकते, पहले गुणा होगा, तो देखो बता दो आपको पहले भाग होगा फिर गुणा जोड़ फिर घटन, तो भाग तो इसमें नहीं है फिर गुणा करेंगे, तो 50 दूनी कितना होगा 100, फिर जोड़, तो देखो 101 में से 100 घटाए एक बच्चा माइनस 2 और ये हो गया 101 माइनस 2 यानी कि 99, ये इसका राइट आंसर। तो थैंक यू दोस्तों, आगे भी इस तरह के क्वेश्चन हम बताते रहेंगे आपको, और वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम में फंस सकते हैं दोस्तों।